वो प्यार की मीठी मीठी बातें। जब जमाना पूछेगा कि ये किसके पाप की निशानी है तो क्या कहोगी तुम? नाम ले सकोगे उसका तो क्या मान लेगा वो? वो आज किसी और से शादी कर रहा है। तो जाकर उसकी बारात में नाचो। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है यूट्यूब पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के वीडियो बंद कर दी जाती है और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर, दीवान चंद, हमें शदाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति
इसमें भाव दिखाया गया है, उसको समाधान उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही साथ दहेज की प्रथा और उसके ससुराल में होने वाले अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी, और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वहाँ मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है, क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है, क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है, क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहाँ पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है, तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता, वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा, तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है। लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से उसे
मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है, तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहते कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने है, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ही साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए। लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छूटी पुलिस स्टेशन से, तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवार के लोगों को भी मार डालेगा जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शादाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहारी होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देख कर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद शादाब खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और शादाब खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं, लेकिन उसी वक्त सांप ने शादाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है।
लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वो देखती है कि सदाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शताब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है, जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शताब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि शताब खान ठीक हो चुका है, लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी शताब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके, क्योंकि उसी ने उसकी नई ज़िंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन शताब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं। माला और शताब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें। और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और शताब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोल देती कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है तो उसे सबको जेल हो जाती, लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ की सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया था कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है यूट्यूब पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के वीडियो बंद कर दी जाती है और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग
मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट्स और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता शलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर, दीवान चंद, हमें शदाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप के किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज की प्रथा और उसके ससुराल में होने वाली अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वह मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहाँ पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है।
उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है। लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहती है कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजरिम आपके सामने है, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ये साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए। लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छुटी पुलिस स्टेशन से। तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवार के लोगों को भी मार डालेगा जिसने माला के साथ गलत किया होगा।
इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शदाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़ कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देख कर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद सदाब खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देख कर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और सदाब खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं। लेकिन उसी वक्त सांप ने सदाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है। लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वह देखती है कि सदाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वह कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शदाब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शदाब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि सदाब खान ठीक हो चुका है लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी सदाब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन सदाब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं। माला और सदाब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें। और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और सदाब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोल देती कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है तो उसे सबको जेल हो जाती। लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ कि सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है।
उसके बाद यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया था कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है YouTube पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के वीडियो बंद कर दी जाती है और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट्स और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर, दीवान चंद, हमें शदाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज की प्रथा और उसके ससुराल में होने वाली अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वहाँ मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है।
इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है, क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है, क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहाँ पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता, वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा। तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है, तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहते हैं कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ये साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए, लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और
उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छूटी पुलिस स्टेशन से। तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवारों के लोगों को भी मार डालेगा जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शादाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देख कर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद शादाब खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और शादाब खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं। लेकिन उसी वक्त सांप ने शादाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है। लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वो देखती है कि शादाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शादाब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शादाब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि शादाब खान ठीक हो चुका है लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी शादाब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन शादाब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई,
तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वहां डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं। माला और शादाब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें। और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और शादाब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं, जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोल देती कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है, तो उसे सबको जेल हो जाती। लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है, जहाँ की सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया था कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है YouTube पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है, क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं। और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट, जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के वीडियो बंद कर दी जाती है, और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की, तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर दीवान चंद, हमें शादाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे
इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज के प्रथा और उसके ससुराल में होने वाली अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वहाँ मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहाँ पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा। तो माला
कोर्ट जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है, तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहती है कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ही साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए, लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे, और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है, लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छुटी पुलिस स्टेशन से, तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है, साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं, और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवारों के लोगों को भी मार डालेगा जिसके जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शादाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देख कर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद शादाब खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और शादाब खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं, लेकिन उसी वक्त सांप ने शादाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है।
लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वो देखती है कि सदाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शताब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है, जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शताब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि शदाब खान ठीक हो चुका है, लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी शदाब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके, क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन शदाब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं। माला और शदाब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें। और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और शदाब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोले थे कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है, तो उसे सबको जेल हो जाती। लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ की सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया था कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है YouTube पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं। और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के वीडियो बंद कर दी जाती है।
और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर, दीवान चंद, हमें शदाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज के प्रथा और उसके ससुराल में होने वाली अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वहाँ मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए।
तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहाँ पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है, जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है, तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है, तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता, वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा, तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है। लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है, जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है, तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहती कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ही साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए। लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे, और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छुटी पुलिस स्टेशन से, तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं, और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला
को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवारों के लोगों को भी मार डालेगा जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शदाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देखकर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद सदाव खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और सदाव खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं, लेकिन उसी वक्त सांप ने शदाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है। लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वह देखती है कि शदाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वह कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शदाब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शदाब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि शदाब खान ठीक हो चुका है लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी शदाब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन शदाब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं, माला और शदाब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और शदाब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं जिससे माला घायल हो जाती है और वहाँ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और
पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोले थे कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है, तो उसे सबको जेल हो जाती। लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ कि सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया था कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है YouTube पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं। और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके वीडियो बंद कर दी जाती है और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट्स और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर, दीवान चंद, हमें शदाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज की प्रथा और उसके ससुराल में होने वाली अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वह मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा
दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहाँ पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा। तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है, तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहते कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है
और ये साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए। लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे, और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है, और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छुटी पुलिस स्टेशन से। तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं, और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवारों के लोगों को भी मार डालेगा जिसके जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शादाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देख कर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद शादाब खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और शादाब खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं। लेकिन उसी वक्त सांप ने शादाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है। लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वो देखती है कि शादाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वो कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शादाब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शादाब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि शादाब खान ठीक हो चुका है लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था
वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी शादाब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके, क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन शादाब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं। माला और शादाब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें। और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और शादाब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं, जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोल देती कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है, तो उसे सबको जेल हो जाती। लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ की सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है YouTube पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है, क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं। और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं जैसे कि Amazon Prime Video, Netflix India जैसी बेहतरीन वेबसाइट जहाँ पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके वीडियो बंद कर दी जाती है और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट्स और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर दीवान चंद, हमें शादाब खान देखने को मिले थे।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज की प्रथा और उसके ससुराल में होने वाली अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वह मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है, तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहां पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करते हुए वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे
जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता, वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसकी जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा। तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा। किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है, जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है। तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहते कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ही साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है। तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए। लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे, और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं, वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा। तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छुटी पुलिस स्टेशन से। तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं, और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवारों के लोगों को भी मार डालेगा जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शादाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे।
तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़ कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देख कर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद सदाव खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और सदाव खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं, लेकिन उसी वक्त सांप ने सदाव खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है। लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वह देखती है कि सदाव खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वह कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो सदाव खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से सदाव खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि सदाव खान ठीक हो चुका है लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी सदाव खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन सदाव खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं। माला और सदाव खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें। और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि माला और सदाव खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोल देती कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वह घायल है तो उसे सबको जेल हो जाती, लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ की सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए। तो अगर आप राजा की आएगी बारात फुल मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि यह फिल्म आप कैसे देख सकते हैं और यह मूवी आपको अभी तक क्यों नहीं देखने को मिली है YouTube पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं इस मूवी के बारे में, तो यह 1997 में ही रिलीज हो गई थी।
लेकिन अब तक इस फिल्म को YouTube पर नहीं अपलोड किया गया है, क्योंकि मूवी के ओनर्स इस फिल्म के जरिए अभी तक पैसे कमा रहे हैं और मूवी को ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख सकते हैं। मूवी को लीगल तरीके से OTT प्लेटफॉर्म G5 पर आप इसे देख सकते हैं। और भी सारे कई सारे मूवी की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स इंडिया जैसी बेहतरीन वेबसाइट, जहां पर आप इस फिल्म को अच्छे से देख सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। यह फिल्म 1996 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन अब तक इसे YouTube पर इसी वजह से नहीं डाला गया है कि फिल्म को अगर कोई भी अपलोड करता है तो उसे तुरंत ही कॉपीराइट क्लेम या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके वीडियो बंद कर दी जाती है, और इस वजह से फिल्म अभी तक नहीं दिखती है। हम इस वीडियो में आपको मूवी के रिगार्डिंग, मूवी की स्टोरी, मूवी के फैक्ट और फिल्म की पूरी अच्छी तरह से कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब बात करेंगे इस फिल्म के निर्देशक, मूवी के निर्देशक अशोक गायकवाड़ रहे थे और यह फिल्म संतोष सरोज के द्वारा लिखा गया था। मूवी के निर्माता सलीम अख्तर रहे थे और इस फिल्म को बहुत ही अच्छे तरीके से कंपोज और बनाया गया था। मूवी की बात करें संगीत की, तो इसमें टोटल 8 गाने को इंक्लूड किए गए थे और सभी संगीत को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था म्यूजिक स्कोर सॉन्ग में। खासकर एक सॉन्ग राजा की आएगी बारात, इसका टाइटल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएंस मिला था और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी। खासकर इसे सभी शादी समारोह में इसे अक्सर बजाया जाता है। फिल्म में हमें रानी मुखर्जी माला के किरदार में देखने को मिली थी और मूवी में हमें राय बहादुर, दीवान चंद, हमें शदाब खान देखने को मिले थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राय बहादुर इस फिल्म में एक बहुत ही अमीर रहते हैं और बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार दिखाए जाते हैं। उन्हें इस फिल्म में हमें राय बहादुर की बड़ी बहू के रूप में शारदा का किरदार शशि शर्मा ने निभाया था और गजेंद्र चौहान प्रताप का एक किरदार में देखने को हमें मिले थे। अभियोजन वकील की बात करें तो सुलभा पांडे इस फिल्म की रही थी और इसे कौशल्या इस फिल्म में दासी का किरदार इन्होंने निभाया था। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपको एक बार ज़रूर ही देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस फिल्म में हमें बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई है और साथ ही साथ इस फिल्म में एक पारिवारिक ड्रामा को एक्सप्लेन किया गया है। मूवी में दिखाया गया किस तरह से इसमें किसी का रेप के प्रति इसमें भाव दिखाया गया है, उसका समाधान दिखाया गया है, उसका सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है और साथ ही साथ दहेज के प्रथा और उसके ससुराल में होने वाले अत्याचार के बारे में भी बात की गई है इस फिल्म के बारे में। मूवी की खास बात यह कि कहीं भी मूवी आपको बोर होने नहीं देगी और इस फिल्म में हमें एक अच्छा स्टोरी और अच्छी कंपोजिशन के साथ इसकी एक बेहतरीन झलक देखने को मिलती है। मूवी में कहानी की बात करें तो कहानी में एक माला का किरदार दिखाया जाता है जो कि रानी मुखर्जी प्ले कर रही होती हैं। वो एक बच्चों की स्कूल की शिक्षिका होती हैं और साथ ही साथ वह मर्दों को बहुत ही ज़्यादा मर्दों से नफरत करती है, क्योंकि वह उनके चीत स्वभाव और बहुत ही गंदे विचारधारा से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। साथ ही साथ माला की एक दोस्त रहती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा होता है, उसके साथ प्यार करके उसके साथ शादी का वादा करके वह शादी नहीं करता है और वह दूसरे के साथ शादी कर रहा होता है। तभी वह पता चलता है उसे कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस बारे में माला को जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी शादी में पहुंच जाती है जहां कि उसका शादी उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो रही होती है। इसी मंडप के बीच में उस लड़की को उठाकर माला अपनी सहेली को बैठने को बोलती है, क्योंकि उसका बाप वही है और वह नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लड़की और भी ज़्यादा बदनाम हो और वह खुदकुशी करे। तो इसके बाद यह जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसका ऑलरेडी शादी होने को होती है। उसके बाद माला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके पति पर, उसके बॉयफ्रेंड पर, यह जानकर कि आप उसे जब पता था कि यह आपकी गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे से शादी का झूठा वादा करके उसके जिस्म के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है। तभी
माला की दोस्त का बॉयफ्रेंड का दोस्त माला के विरुद्ध में जाता है और बोलता है कि नहीं, वह उसे नहीं जानता है और ये पैसे ठगने की साजिश है। तभी माला शदाब खान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है, जो कि राय बहादुर दीवान चंद का बेटा होता है। इस वजह से कहानी एक अलग ही मोड़ ले आती है। उसको थप्पड़ मारने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है और वह उसका बदला लेने की सोचता है, क्योंकि वह उसकी इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से नीलाम हो चुकी थी। वह माला से बदला लेने के लिए वह घात लगाए बैठ रहा होता है किस तरह से उसका आखिर उसकी इज्जत को भी बदनाम किया जाए। तो इसी के बाद जब स्कूल में माला क्लास ले रही होती है बच्चों का, तभी वहां पर राय बहादुर दीवान चंद आ जाता है और माला को सभी बच्चों के सामने ही उसका शोषण कर लेता है। उसके बाद माला की इज्जत बहुत ही बुरी तरीके से लूट ली जाती है और वह तब फैसला करती है कि उसके लिए यह न्याय दिलाएगी। उसके बाद फैसला करती हुई वह उसी तरह से अपने घर पहुंचती है, जहां कि वह उसके पिता को बतलाती है कि किस तरीके से उसने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। उसके बाद उसका माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह दीवान चंद को मारने के लिए तलवार लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। होटल में वहीं हो रहा होता है, तभी उसे उसके दोस्तों को बुरी तरीके से पीटता है और उसे जान से मारने ही वाला हो रहा होता है, तभी उसे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रोक लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करी जा सके। लेकिन दीवान चंद का पिता, वह बहुत ज़्यादा अमीर होने की वजह से पुलिस स्टेशन में उसके जमानत के पेपर लेकर आता है और जमानत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह जमानत नहीं होती है। जमानत देकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, लेकिन साथ ही साथ एक वार्निंग भी देता है कि उसे किसी भी हाल में वह छोड़ेगा नहीं और उसे जल्द ही पकड़कर फिर से काल कोठरी के अंदर डाल देगा। तभी माला के बीच वह फैसला करती है कि वह पुलिस में केस करेगी और उसको इंसाफ चाहिए होगा, तो माला कोर्ट जाने का फैसला करती है। लेकिन उसका वकील उसे समझाता भी है कि कोर्ट में बहुत ही गंदे तरह से सवाल किए जाएंगे, उसके लिए उसे तैयार रहना होगा, किसी भी हद तक किसी भी तरह का सवाल किया जा सकता है, तो इस वजह से उसे मेंटली टॉर्चर भी करना सहना पड़ सकता है। तो माला उस सब के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वह बचपन से ही बोलने में बहुत तेज रहती है और इस फिल्म में भी उन्हीं का कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें इस फिल्म में फिर से एक बेहतरीन सीन देखने को मिलता है, जो कि कोर्ट का सीन होता है। कोर्ट में उसे पूछा जाता है कि उसका रेप किसने किया है और किस तरीके से किया है, तो माला भी उसका ज़ोरदार जवाब देते हुए कहती कि क्या आप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा सवाल पूछेंगे जैसा कि आप मेरे साथ पूछ रहे हैं, क्योंकि मुजलिम आपके सामने है, हम आपके सामने हैं, आपको गवाही दिया जा रहा है और ही साथ ही साथ रिपोर्ट भी इसमें दिखाया गया है कि हाँ इसके साथ जाती हुई है, तो फिर भी आप इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मानसिकता गिरी हुई है, वही लोग इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे। तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कोर्ट में यह फैसला सुनाया जाता है कि उसे सजा दी जाए, दोषी को सजा दी जाए। लेकिन माला फिर से कोर्ट को रोक कर कहती है कि इज्जत मेरी गई है और उसे सजा देकर उसका मुझे क्या मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा, तो इसके जिसने मेरे साथ मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है वही मेरे साथ शादी करे, और कानून की उपस्थिति में सबके सामने उसे वह शादी करे। उसके बाद वह पता चलता है कि पूरे परिवार के सामने और साथ ही साथ पुलिस की मौजूदगी में माला की शादी करी जाती है और उसके बाद माला उसी के घर चली जाती है। लेकिन माला को इज्जत नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वह वहाँ से भागी हुई होती है और उसकी इज्जत चली गई थी, तो इस वजह से उसने यह नहीं सहा और वह मानता है कि नहीं, वह उसके साथ खुश नहीं रह पाएगा।
तो इस वजह से जब शादाब खान उसको इज्जत नहीं कर रहा होता है तो पार्टी दी जाती है अपने घर में ही कि वो जान छूटी पुलिस स्टेशन से। तभी माला आके उसके साथ रह रही लड़कियों को बहुत ही जलील करती है और थप्पड़ भी मारती है। साथ ही साथ से शादाब खान को यह बताती भी है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मुझे यह पूरा हक बनता है कि आपके साथ कौन रह रहा है कौन नहीं, और मुझे भी आपके साथ रहने का पूरा हक है। यह कहते हुए फिर से जब माला को थप्पड़ मार रहा होता है तभी माला का पिता ज्ञानी करतार सिंह आ जाता है और वहाँ पर आकर पूरी तरीके से उसे जलील करता है और उसे बोलता है कि अगर माला को कुछ भी हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा, साथ ही साथ सारे परिवारों के लोगों को भी मार डालेगा जिसने माला के साथ गलत किया होगा। इस वजह से सभी लोग डर भी जाते हैं और माला को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहानी दिलचस्प मोड़ लाती है और शादाब खान के मामा इस फिल्म में फिर से एंट्री करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरीके से उसे फिर से बताया जाए और उसको माला को मारने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से यह अलग तरीके से किया जाए। उसके बाद माला को मारने की अलग अलग तरकीबें खोजी जाती है और उसके बाद यह तरकीब निकलता है कि जंगल में सांप को पकड़कर उसे माला को डसवा दिया जाए ताकि वह उसकी मौत भी नेचुरल लगे और उसकी जान भी नहीं बचे। तभी उसके मामा जी एक जंगली सांप को पकड़कर लाते हैं और घर में छोड़ दिया जाता है। माला उस वक्त नहा रही होती है और तभी सांप जब उसके सामने आता है तो माला उसे देखकर ही बेहोश हो जाती है। तो उसके बाद शादाब खान और उसके मामा आकर जब देखते हैं तो माला नीचे ज़मीन पर गिरी हुई रहती है। वह देखकर समझती है कि वह माला को सांप ने काट लिया है और शादाब खान उस वक्त आता है और माला को देखने जाता है कि वह मरी या नहीं, लेकिन उसी वक्त सांप ने शादाब खान को काट लिया होता है उनके पैरों में और वह बहुत ही बुरी तरीके से पसीने से लथपथ होकर गिर जाता है। लेकिन तभी माला का नींद खुलता है और वह देखती है कि शादाब खान को सांप ने काट लिया होता है और उसके पैरों में काटने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है और वह कभी भी मर सकता है। तो इस वजह से रानी मुखर्जी यानी माला उसके पैरों का जहर अपने खुद चूस कर उसे निकाल रही होती है। जब पैरों का जहर अपने मुंह से निकाल रही होती है तो शादाब खान यह देखता है कि माला को उसके प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है कि वह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह उसकी जान बचा रही होती है जबकि वह उसे ही मारने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से शादाब खान का दिल पिघलता है और वो बहुत ही धीरे धीरे नेचुरल होने लगता है। इसी के बाद वह पता चलता है कि शादाब खान ठीक हो चुका है लेकिन माला की हालत ख़राब है क्योंकि उसने जहरीले सांप का जहर को अपने होंठ से लगा लिया था। वह देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह मरने की हालत में हो जाती है। तभी शादाब खान उठता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है ताकि माला को फिर से बचाया जा सके क्योंकि उसी ने उसकी नई जिंदगी दी होती है। तभी उसके मामा कहते हैं कि नहीं, मरने दो, अच्छा ही है, हम यही चाहते थे। लेकिन शादाब खान का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह अपने मामा को थप्पड़ मारता है और कहता है कि नहीं, वह मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसे बचाऊं। और वह डॉक्टर को फ़ोन करके उसे बचाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही परिवार एक दूसरे से मिल जाते हैं, माला और शादाब खान अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से वास्तविकता यानी कि वह सही में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, न कि नाटक। तो इस वजह से उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि माला से एक दूसरे से वे प्यार करें और इस वजह से माला अपने पिता के साथ जब वह अपने घर आता है तो उसका पिता उसे बहुत ही ज़्यादा जलील करता है, उन दोनों को, माला और अपने बेटे को भी। तो जब उसे बेइज्जत कर रहा होता है तभी वो लोग कुछ फैसला करते हैं कि
माला और शादाब खान एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और उसके लिए वह अपना घर छोड़ देंगे। तो इसी बीच में हमें इस अमीर बाप ने माला के ससुर उसके पीछे से हमला कर देते हैं और पीछे से एक गुलदस्ता मार देते हैं जिससे माला घायल हो जाती है और वह हॉस्पिटलाइज हो जाती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि वकील और पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है जिससे कि पता चलता है कि किसने मारा था। अगर कोई माला ये बोल देती कि उसके ससुर जी ने ही उसके पीछे में गुलदस्ते से मारा है जिससे कि वो घायल है तो उसे सबको जेल हो जाती, लेकिन माला कहती है नहीं, वह सीढ़ियों से फिसलने से उसकी यह हालत हुई है। और यही कहते हुए माला सबको बचा लेती है और वह बहुत ही अच्छा सीन होता है जहाँ की सभी को माला सभी का दिल जीत ली होती है। उसके बाद यह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों और जीवन जीने लगते हैं और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग मिलकर उनकी फिर से शादी कराते हैं और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। फिल्म बहुत ही अच्छी है, आपको एक बार ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए।